खुशी है, मैं 12वीं कक्षा की छात्र हाई सेकेंडरी स्कूल कन्ना सरगार में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबको सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सरदार वल्लभ भाई पटेल एक महान स्वतंत्रता सेनानी और भारत के एक महान राजनीतिक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के लोक पुरुष के रूप में जाना जाता था। उनका जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात भारत में हुआ था। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। उनके पिता का नाम जावेर भाई पटेल था जो एक किसान थे। उनकी माँ का नाम लाडवा देवी था जो एक कुशल गृहिणी थी। सरदार पटेल ने गुजरात स्कूलों और कॉलेजों में अध्याय किया। पटेल आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और वकील बन गए। भारत लौटकर सरदार पटेल अहमदाबाद शहर के सर्वश्रेष्ठ वकील के रूप में प्रतिष्ठित हुए। वह एक सफल वकील थे। उनकी आंतरिक इच्छा हमेशा देश के लिए कुछ करना चाहती थी और इसलिए वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे और पहले उप प्रधानमंत्री भी थे। सरदार पटेल भारतीय सशस्त्र बलों के प्रमुख पहले कमांडर थे और 15 अगस्त 1947 से 15 दिसंबर 1950 तक वही सेवा करते थे। उन्होंने केवल स्वतंत्रता के लिए भारत के संग्रह में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई बल्कि स्वतंत्रता के भारत को एकजुट करने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल का 15 दिसंबर 1950 को 75 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें उनके महान कार्यों के लिए हमेशा याद किया जाएगा। धन्यवाद।